हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन सी के जो इंजेक्शन आते हैं जिस प्रकार से सी मेक है जिस प्रकार से बोनेका है एसिड है जिसके अंदर साल्टो विटामिन सी का इंजेक्शन के साथ आप कौन से इंजेक्शन एक साथ मिला के नहीं लगाने चाहिए कई यदि आप साथ मिला कर के देंगे तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान आपके पशुओं में आपको उठाना पड़ सकता है इसके बारे में आपको बताऊँगा जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें आर वाला ऑप्शन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे इस चैनल पर भी आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी के साथ आप शॉर्ट वीडियो ऐसे ही मिलती रही एक मैंने वीडियो बनाया था वेट पेटेंट केटल पर विटामिन सी इंजेक्शन के बारे में तो मैंने बताया था कि कौन से इंजेक्शन उनके साथ नहीं मिला चाहिए वो आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी तो आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊँगा देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन सी का इंजेक्शन

तो भूल कर भी आप ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस इंजेक्शन के साथ आप गोल करके बिल्कुल भी न लगाएं इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है विटामिन सी और ऑक्सीटेट्रा दोनों एक ही सीरेंज में या एक ही जो ड्रिप है उसके अंतर्गत कभी भी एक दूसरे की बनती नहीं है समझ गया आप जब एक दूसरे की बनती नहीं है तो वो क्या नुकसान कर सकता है कैसा भी कर सकता है आप समझ गए होंगे तो इन दोनों को कभी भी आप एक साथ मिला के लगे अलग अलग पुठ्ठों में आप लगा सकते हैं एक को इंट्रावेनस लगा दिया एक को इंट्रामस्कुलर लगा दिया या दोनों को इंट्रामस्कुलर दोनों साइड में लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है इसी के साथ साथ आप जो जो विटामिनस के इंजेक्शन आते हैं जिस प्रकार चाइविट इंजेक्शन है या बी कॉम्प्लेक्स रिवर स्टेट इंजेक्शन है इन इंजेक्शनों के साथ भी आप मिला करके आप यानी एक ही सिरिंज में आप इनको दोनों इंजेक्शनों को आप एक साथ मिला कर करके विटामिन सी के इंजेक्शन है उसको मिला कर के कभी भी एक साथ एक सिरिंज में एक ही जगह कभी भी भूल कर न लगाएं यानी विटामिन युक्त इंजेक्शन भी आप जो अदर विटामिन इंजेक्शन है जिसके अंदर लिवर स्टेट है बी कॉम्प्लेक्स है इस तरह के जो इंजेक्शन है जिसके अंदर लिवर स्टेट होता है वह इंजेक्शन तो आप विटामिन सी के साथ भूल कर भी आप न लगें इन दोनों की भी बनती नहीं है जिनकी नहीं बनती है वह क्या कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और बहुत खतरनाक भी हो सकता है यानी डेथ वाला भी हो सकता है तो इनको कभी भी आप साथ में मिला करके न लगाएं वरना आपके पशुओं को भारी नुकसान होता है ये इंजेक्शन तो और भी बहुत हैं लेकिन ये दो तीन इंजेक्शन जो आप ज़्यादातर प्रयोग आप अपने पशुओं में जो वेटिनेरियन है वो करते हैं तो इनके सुविधा के तौर पर बताया गया ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिले फील्ड के अंतर्गत ताकि उन्हें किसी तरह के पशुओं पर नुकसान न उठाना पड़े साथ साथ उनकी इमेज भी सही बनी रहे जो नए प्रैक्टिस न सबसे ज़्यादा उनको पता नहीं होता इन चीज़ों का क्योंकि उन दोनों इंजेक्शन को कई बार उनको मिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि कौन से इंजेक्शन हम मिला के लगाएं इसलिए ये इंजेक्शन नहीं मिला करके लगाने चाहिए इसी तरह से कौन से इंजेक्शन इस चैनल पर आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि कौन से इंजेक्शन आपको नहीं मिलाने से आपके पशु में नुकसान हो सकता है कौन से इंजेक्शन आप मिला करके भी दे सकते हैं शॉर्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल से जाना है तो आपको वेट वेट एंड कैटल पर पूरी डिटेल से उसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगी ये वीडियो अच्छी लगी नीचे जाकर कमेंट मिलकर मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेट एंड स्टेंट उनके साथ शेयर कर दें इसी तरह से वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद